कमर तोड़ महंगाई के मद्देनजर जब घर में किचन चलाना मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे में बीमारी की हालत में दवाइयों और टेस्टों का खर्चा उठा पाना कितना असंभव लगता है। नमस्कार, मैं भाविनी खन्ना न्यूज टाउन चैनल के प्रोग्राम अमृतसर लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सेवा समिति द्वारा स्थापित कटरा प्रजा की शाखा के बारे में। अमृतसर सेवा समिति के विभिन्न क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और टेस्टिंग लैब्स शहरवासियों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। अमृतसर सेवा समिति में विभिन्न बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यहां पर विभिन्न रोगों के अतिरिक्त संबंधी चमड़ी, दांतों, आँखों, हड्डियों और आम बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। I'm Dr. Rakesh Grover, I'm MD. एंड आई एम द मेडिकल स्पेशलिस्ट ओवर हेयर और मैं इतों की मेडिसिन ओपीडी संभाल रहा सर। सर मैं इतने अराउंड 10 साल हो गए काम करते हैं। साढ़े को हर तरह के पेशेंट आते जी, असी जनरल खांसी जुकाम तो लैके स्पेशली आई एम डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे को डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत है, थायराइड के बहुत है, हार्ट पेशेंट्स है साढ़े को, असी हर तरह के पेशेंट डील करते हैं। सर्दियों के साढ़े को स्पेशली चेस्ट पेशेंट्स बहुत आते जी, खांसी के पेशेंट्स है, मोर ओवर कोविड चल रहा है, इस करके सानू कोविड के पेशेंट्स भी है साढ़े को। एंड स्पेशली चेस्ट के पेशेंट ज़्यादा, पोल्यूशन काफ़ी है अजकल, विंटर्स के करके फॉग शुरू हो गई है, एंड चेस्ट पेशेंट्स काफ़ी है अजकल। सर सब तो वड्डी प्रिकॉशन तो है जी कि मास्क जरूर पान, जिहड़ा कि एक कंपल्शन है, गवर्नमेंट वालों भी बड़ी अच्छी गाइडलाइन है कि मास्क पाओ, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो। एंड सर्दी के नैचुरली फॉग के कट निकलन दो, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स अजकल नहीं करनी चाहिए, सर्दी तो बचा रखना सब तो जरूरी यही है, मास्क जरूर पान, पोल्यूशन तो बचा रख। सर संदेश यही है जी कि सब तो जरूरी है सर्दी तो अपना बचा रखन, एंड मोर ओवर कोविड जिहड़ा प्रोटोकॉल वो जरूर फॉलो करन, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करन, मास्क पा के रखन, थर्ड लहर आन का खतरा है तो सानू सब तो जरूरी है उस तो असी बच के रहना। सो जो साढ़े प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते हैं वो सानू जरूर फॉलो करना चाहिए, मास्क पाइए, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका कालिया, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हाँ। मैं सेवा समिति च ऑलमोस्ट मैं 14-15 साल हो गए ने ऑलमोस्ट इतने आते हुए। मैं इतने काफ़ी टाइप के पेशेंट्स देखती हाँ और बेसिकली ज़्यादातर यंग जनरेशन वास्ते तो पिंपल्स वाले हो गए पेशेंट्स, शाइयां दे पेशेंट्स सारे हो गए, रिंकल्स वाले पेशेंट, इन जनरल स्किन प्रॉब्लम्स जिहड़े सोरियासिस वगैरह हो गया, एग्जीमा हो गया, बड़े मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी टाइप दे पेशेंट्स असी इत्थे देखते हैं बेसिकली। और मैं इनफैक्ट काफ़ी पेशेंट्स ट्रीट भी होंदे ने साडे इत्थे, बट जिन्नी भी पॉसिबिलिटी होंदी है इसी ईवन घट तो घट ईवन कुछ भी पॉसिबिलिटी होवे दवाइयाँ भी कुछ प्रोवाइड कर दई दियाँ अपने कोलों। और बाकी जितों तक रहा स्किन दा सवाल, बाकी मैं कहना चाहवागी कि पेशेंट्स नूं थोड़ा अपना अजकल जिवें विंटर सीजन दे विच ड्राइनेस नाल भी बड़ियां प्रॉब्लम्स आंदियां ने, और इसलिए ज़्यादातर असी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स नूं कि अपनी कोकोनट ऑयल दे नाल अपने आप नूं प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ करो,
एंड ईवन असी यह भी कहने हैं पेशेंट्स नू कि ज़्यादातर कपड़ा सर्दी होवे गर्मी होवे ते सूती कपड़ा ज़्यादा प्रेफर करो बज अजकल जिमें क्लोथ सारे हो गए ऑलमोस्ट सिंथेटिक टाइप सारे मिक्सचर आ रहे हैं ओदी बजाय सूती कपड़ा जिन्ना यंग जनरेशन हो जाए या पुराने बुजुर्ग हो सारे जने वो कर ज़्यादा यूज करन और अपने आप नू नारियल दा तेल लगा के प्रेफरेबली वो सही रखन ते जे बाकी सोप वगैरह या कुछ भी लेना मैं तकरीबन यूज़ करन वास्ते हल्के जे माइल्ड जे साबन वगैरह यूज़ करन जिमें पेयर सोप वगैरह इन्हां नू यूज़ करो जे ज़्यादा दिक्कत वाले पेशेंट्स हो जिन्हां नू ज़्यादा एलर्जी दियाँ प्रॉब्लम्स होन उन्हां नू फिर असी मेडिकेटेड अपने सोप वगैरह लिख दें या शैम्पूस हेयर फॉल दे पेशेंट्स अजकल जिमें डैंड्रफ दे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होंदे ने सर्दियों के कुछ इन इस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा ट्रीट होंदे ने। मैं डॉक्टर विजय मिश्रा अखा का डॉक्टर इतने सेवा समिति के लगभग एक साल हो गया अपनी सेवाएं दे रहा इतने हर हर तरह के गरीब तबके के मरीज आते हैं जिन्हें आप सेवा करते हैं लाभवंद व्यक्तियों को ही जरूरी दवाइया भी देते हैं तो उन्होंने अगर हो सकता तो ऑपरेशन भी कराते जैनवन तरीके 20 रुपए की पर्ची है बस कोई अज इतने महीने के लगभग 6-7 मरीज आ रहे ऑपरेशन हो जाते हैं मरीजों खास तौर पर अखा के लालीपन या ड्राइनैस का बीमारी का लगता है जो कि असी मौके पर दवाई दे के मेरा नाम डॉक्टर सोफिया शारदा है आई एम अ डेंटल डॉक्टर आई हैव डन BDS फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड मैनू इतने एक साल तो ज़्यादा हो गया काम करते साढ़े को इतने लोअर सैक्शन तो लैके हायर सैक्शन तक पेशेंट्स आते हैं वो इसलिए आते बिकॉज इतने जोड़े रेट्स ने वो इकोनॉमिकल है जिते तुम देखोगे इंटीरियर टू द RCT 600 है जो कि कितने भी नहीं है तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल चले जाओ उतों रेट्स इतों तो ज़्यादा है तो इतने क्वालिटी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है तुम देख सकते हो हाई क्वालिटी चेयर है स्टरलाइजेशन प्रॉपर है तो साढ़े को मोस्टली जोड़े पेशेंट्स आते हैं उन्होंने दंद काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके होंगे जो कि बाकी जगह कह दिते जाते हैं कि दंद कटाए जाएंगे असं वह भी कोशिश करते हैं कि बचाए जान तो मैं पेशेंट्स नू यही कहना चाहूँगी कि अपने दंद यूट्यूब तो देख के ना करो कि हाँ लौंगा का तेल कर लो ये कर लो वो नहीं क्योंकि जोड़ा इलाज है वह एक डॉक्टर ही कर सकता है तो दंद जड़े वो दवाइया नाल ठीक नहीं होंगे दंदा का प्रॉपर इलाज होंगे जो कि एक डेंटिस्ट ही करता है आखते मोतिया बिन से इतों बढ़िया होया इलाज पहले बढ़िया का डॉक्टर साहब यहाँ पर आए कि यहाँ पर हम पहले भी दवाई ले चुके हैं और यहाँ एक बार स्किन के लिए इसको दिखाने आए थे हाँ तो हमें तो पहले से भी बढ़िया लग रहा था यहाँ पर खर्चा बहुत कम लगा और मतलब हमको अच्छा भी लगा डॉक्टर का स्वभाव ही कल हम मिले थे डॉक्टर साहब से प्राइवेट का सर एक तो कॉस्टली पैंदा है दूसरा लाइन च लगो टोकन लवो 300-500 रुपया फीस लेंदे ने बाहर की दवाई वक्री अलग मिलती है मतलब काफ़ी कॉस्टली पैंदा है इतने अमृतसर सेवा समिति के 20 रुपये एक दिन की दवाई तो अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं इनकलूडिंग मेडिसिन है विच ही नाल ही है ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है संदेश देने हैं कि सेवा समिति च आन तो इतों मेडिसिन लैन एक तो चीप एंड बेस्ट रहा और डॉक्टर भी पूरे एजुकेटेड है मेडिसिन भी जीडिया वो बहुत अच्छी मिलती ने मेरे ना पैर च मोच आती भी लक च बहुत दर्द है जी पिठ में इतने है भी खर्चा घट है भी इलाज ठीक है बहुत वधी है जी मैं ना BP वधदा सी ते पिठ च थोड़ी दर्द सी ते मैं इन्हां को चैक कराया ही थोड़ा BP कहिंदे वधदा है ते दवाई खाओ 3 दिन फर्क पै जाएगा मैं हुण 3 दिन दवाई खाधी है मेरा BP थोड़ा ठीक है हुण भी टैसट कराया ठीक हैगा थोड़ा BP हाँ जी बहुत वधिया लगती है जी दवाई भी ठीक है मतलब घट रेट ते मिलती है 20 रुपए की सारी दवाई भी नाल चैक भी करते हैं डॉक्टर होना का भी सुभाव चंगा है रुमान नाल दवाई देंदे आ वेख के चैक करके सानू बहुत वधिया लगता असी इहदे कोई इन्ना कोई आंदे आ जैसे कि अमृतसर सेवा समिति के महामंत्री श्री शशि भूषण खन्ना ने बताया कि लंबे समय से ये संस्था स्थानीय लोगों के सहयोग से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है मेरा नाम शशि भूषण खन्ना है पेशे तो मैं वकालत करना लेकिन हुन 52 साल की वकालत के बाद मैं अपनी वकालत अपने लड़के नूं सौंप दित्ती है ये नाल ही नाल
मैं लगभग 30 साल तो अमृतसर सेवा समिति रजिस्टर्ड हैड ऑफिस खूह सुनियारियां दा जनरल सैकटरी हाँ। साड़ी एक रजिस्टर्ड बॉडी है जेड़ी बॉडी लाहौर दे विच रजिस्टर होई सी और वो ट्रांसफर हो के अमृतसर च आ गई पार्टीशन दे बाद। मैनू जिस तरह मैं किया काफ़ी साल हो गए ना जनरल सैकटरी चुनिया गया सोदे बाद 3 साल बाद जो इलैक्शन होंगे न हर वारी मैनू जनरल सैकटरी चुनते हैं। सेवा समिति ने अपना अस्पताल एक आयुर्वैदिक अस्पताल दे तौर दे उत्ते किराए की बिल्डिंग दे उत्ते शुरू किया खूह सुनियारियां च। अज अमृतसर सेवा समिति का 19 अस्पताल न और सब मॉडर्न मशीनरी ऑपरेशन दी इन्वेस्टिगेशन दी लैबोरेटरी दी हर तरह की सुविधा लोगों नूं प्राप्त है। यह जिहड़ी बिल्डिंग च असीं बैठे हाँ ये बिल्डिंग अमृतसर सेवा समिति ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को जमीन खरीद के बनाई सी। इत्थे आई हॉस्पिटल है आई ऑपरेशन है जिथे फैको दे नाल लेटेस्ट टेक्नीक है फैको उहदे नाल ऑपरेशन होंदे न हाथ नाल नहीं हुंदा वह मशीन ही लेंस चुकदी है और मशीन ही लेंस पा दिंदी है और असी लेंस की कीमत जिहड़ी है उही लैने आ सिर्फ 5,000 रुपया असी लैने जिदे नाल असी उहदा ऑपरेशन कर दिंदे आ और साडे ऑपरेशन जिहड़े न रोज़ दे रोज़ होंदे न ये नहीं कि असी इकट्ठे करके ऑपरेशन करिए जिस तरह कल एक ऑपरेशन होया सी अज उहदा आ गई है सोमवार फिर 2 ऑपरेशन अज डॉक्टर साहब आई वाले छुट्टी ते 2 दिन वास्ते सोमवार आएंगे 2 ऑपरेशन करेंगे। इहदे अलावा साडे कोल मेडिसिन दा डिपार्टमेंट है जिथे डॉक्टर ग्रोवर MD स्पेशलिस्ट बैठते हैं और 20 रुपए की पर्ची के विचे ही असी दवाई देने विचे ही MD डॉक्टर उन्होंने एग्जामिन करता। उदे अलावा नाल दी कमरे दे विच स्किन दी डॉक्टर मैडम कालिया दीपिका कालिया उन्हां दा पूरा नाम है अमृतसर दी टॉप मोस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है MD स्किन च है वो हो गई है वो लोगों का इलाज करदे न। स्किन दीयां दवाइयां बड़ियां महंगीयां होंदियां न इस करके असी कोशिश करने हैं कि वह सस्ती तो सस्ती दवाई जिहड़ी है उस चंगी कंपनी दी लै के लोगों नूं दईए लेकिन फिर भी स्किन दी कोई दवाई सानू बाहरों लिखनी पैंदी है। उहदे नाल दा कमरा डेंटल विंग दा है जिथे आटोमैटिक डेंटल चेयर लगी हुई है चमुंडी स्लीक बेस्ट चेयर है वो उत्थे 20 रुपए की पर्ची दे विच असी दंद देखने हैं RCT हुंदी है नवे दंद लगाए जाते हैं दंद कढ़िया भी जाता है दंदा का हर तरह का इलाज हुंदा है और बहुत थोड़े पैसों के ना मात्र के पैसों के हुंदा है। उस तो अगे साड़ी एक्सरे डिपार्टमेंट है जिथे डिजिटल एक्सरे अमृतसर दे विच सब तो पहला डिजिटल एक्सरे कटरा परजा दे विच लगा सी डिजिटल एक्सरे असी उत्थे लैने और उहदा सिर्फ अजकल असी 250 रुपये लैने 250 रुपये जबकि बाहर 800 रुपया उहदा लगता है। डिजिटल एक्सरे वो हुंदा है कि जिहदे भी देख लिता जाता है कि फिल्म ठीक आ गई कि नहीं आ गई और फोटो वांगन दी उहदी फिल्म आउंदी है। उहदे नाल दा कमरा साडा जिहड़ा हैगा वो लैबोरेटरी दा जिहड़ी आटोमैटिक लैबोरेटरी दे विच मशीनां लगी हुई हैं बड़े थोड़े पैसों नाम मात्र के पैसों असी लोगों की उत्थे टेस्ट सब तरह के टेस्ट करने हैं और कुछ टेस्ट जिहड़े अमृतसर नहीं होंदे असी एक कंपनी है वर्ल्ड फेम दी मेट्रोपोलिस
ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਪਾਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬੋਂਬੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿੱਤਿਆਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥੋ ਦਾ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ DN ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MD ਡਾਕਟਰਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 19 ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਅਰੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੋਗਲਬਾਗ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਕਟੜਾ ਪਰਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 5-6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ 300 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਕਿਨ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ MD ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਆਗੇ ਆਏ ਤਥਾ ਯਥਾ ਯੋਗ੍ਯ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਇਸ ਪੁਨਿਆ ਕਾਰਯ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਸਪਤਾਹ ਹਮ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ ਇੱਕ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕੀਜੀਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ
ਸੁਣਿਆ।